चला गया खेला खेला। छत होती ना तो कसम से कोई नहीं भीग पाता, पर हाँ। ये लोग है ना गार्डन बना तो रहे नहीं है, सारा पैसा पता नहीं कहाँ गया है यहाँ गार्डन का। वो कोल्डी के अंदर लड़का है, उसको बोलते छुपने की जगह है क्या उधर? कोई है बड़ी दूर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मुसाफिर हूँ। यहाँ का रास्ता भूल चुका हूँ और तेज बारिश आने के कारण यहाँ का रास्ता भी भटक गया हूँ। मदद मदद। हाँ भाई कहीं हो क्यों सी लाग रही टकाई ले भाई, तो और धुआं निकल रहा है मुँह से। नमस्कार, मैं हूँ शाहरुख खान, आपके प्रिय सलमान खान का छोटा भाई। हे गाइस कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज क्या तारीख है, पाँच तारीख है आज, आज पाँच तारीख है, कल छः तारीख है, परसों सात तारीख है, फिर आएंगे रोज डे, कपल्स डे शुरू होने वाले हैं। बट ऐसा इस बार शायद ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि यार ये डे ना कोई सेलिब्रेट करने जैसे थोड़ी ना होते, टेडी पियर ला के दे दी, कभी चॉकलेट ला के दे दी, कभी क्या। तो अभी हम लोग रील्स वगैरह बनाने आए हुए, लेकिन आज का व्यू बहुत ही प्यारा यार, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह बारिश आ रही थी आज तो यहाँ पे, और अजमेर में भी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, और मेरी जुखाम अभी तक गई नहीं है, शायद मुझे हफ्ते भर से ऊपर हो गया है। और वीर सम्राट वो रहा उधर, और मैं सोच रही हूँ बैलून चैलेंज करने की सोच रही हूँ मैं, बट आप लोग कमेंट करना अगर 20-25 से ऊपर कमेंट आया ना तो मैं बैलून चैलेंज करूँगी वीर सम्राट के साथ में। और ये रहा, चलो इसको तो छोड़ो आप, यहाँ का व्यू कमेंट करना कि यूट्यूब वीडियो पे मतलब वीर सम्राट व्लॉग पे ना कैंपिंग का व्लॉग स्टार्ट करें नहीं करें अभी, क्योंकि मौसम भी बढ़िया है सर्दी वर्दी का और बारिश भी आ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कैंप खरीद लेता हूँ और कैंपिंग रुकेंगे बढ़िया जहाँ पे बारिश आ जाती है, जैसे वो जंगल दिख रहा है वहाँ पे चल जाओ है ना। हर कैस वहाँ पे बघेरा है, फाड़ देगा रात भर में दोनों को, मेरी टांगड़ी खींच के ले गया ना तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। चक्कू ले चालो साथ में, चक्कू ले चलेगा, चक्कू से क्या मच्छी काटेगा। एक काम कर, कुआड़ी ले चालू, कुआड़ी बढ़िया लो और तलवार ले लो, यानी बगैर आए भी नाड़ काट दे और नाड़ ना तो मुखमला और बाकी सामान तो खा ले। अरे सूख ले, मुझे शौक नहीं है खाने का। और गाइस है ना, जिंदगी में ऐसे ऐसे नमूने आप लोगों को मिलेंगे जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। गाइस जिंदगी में ऐसे ऐसे नमूने हैं, जहां हम रहते हैं वहीं नमूने हैं। कह रहे अरे क्या खड़े हैं, हैं कायो खुशबू खुशबू थे भंगो यानी खुशबू के पात की मुसी का पता रखे ने खुशबू उस पर नहीं आ रही गेल ले तो मुकी यार खुशबू दे दे थोड़ी सी है ना। बहुत धन्यवाद ठने हट के खड़े हैं, चल वीर तने भी कच तू भी टल सामने तन कै चावे राम जादा निकल यहां से हटने सोनिया की काले दान गाइस। उधर से सनसेट पॉइंट का वेट करते हुए बस सूरज तो देख ही नहीं रहा, किधर गया रे चांद, तो वेट किसका कर रहे गाइस आप लोगों को चांद दिख रहा है या सूरज दिख रहा है? इधर से चांद निकलेगा, सूरज तो दिख ही नहीं रहा लेकिन वो सनसेट होने का वेट कर रहे हैं वो लोग। देखो इनको किसी ने गलत खबर दी है, इधर से सूरज निकलेगा ऐसे नहीं। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आपके उधर की तरफ भी ऐसा ही मौसम हो रहा है क्या यार। ठंडा मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब बना लेता मौसम हो रही तो ठंडा मौसम तो पूरी दुनिया में, बल्कि है ना सुबह ना हमारे यहाँ बारिश आ रही थी बहुत तेज और अजमेर में नहीं आ रही थी, मम्मी ने बोला कि ना बारिश नहीं आ रही है यहाँ पे, और मेरा ना बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का। मोमोज खाने का और क्या क्या खावा मन कर रही है वो भी बता देता रहा हूं। मेरा मोमोज खाने का मन है यार है ना, मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करती ना रूम पे, मैं आजकल रूम पे व्लॉग स्टार्ट नहीं करती बल्कि हमारा मन नहीं करता है। और गाइज ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, उस बारे में थोड़ा बहुत बोल दूँ। नहीं, थोड़ा सा। चलो इसने मेरे को मना कर दिया इसलिए नहीं बोल रही मैं, वरना मैं आपको बताती कि लोगों के बाल टट्टी जैसे बदबू मार रहे हैं। हाँ बेबी सड़ी हुई जैसे, तुम्हें पता है ना मैं गटर में रहती हूँ, आदत पता नहीं क्या तुम्हें, बाल बदबू मार रहे हैं। ये मुझे घोड़ा गट्टी बिठाएगा काफी टाइम बाद में, बिठा टांग पकड़ टांग पकड़। कौन पकड़े टांग, टांग तो आज तक ही नहीं पकड़ी किसी की, मुझे ताली का पकड़ लो बैठ नहीं देना, नहीं बैठ ले हर टांग बिना बाल तो, अब मैं पीछे लटक रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, लटके तो मारे भी है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बल्कि है ना बारिश शुरू हो चुकी है और मैं भीगना नहीं चाहती, बल्कि मुझे पहले से जुखाम हो रहा है। तो वीर सम्राट ने जो कुटिया मुझे दी थी ना ये कह के कि तेरा घर है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या मैं तो जा रही हूँ, तुम आ जाना, बारिश आ गई
और वहाँ पे ना पापा की परी आए तीन तीन चार चार। मैं वीर को बताती हूँ। ये मेरी चप्पल है गाइस जो टूट गई थी। है नहीं मैं उठाई, गिरी भी चीज नहीं उठाती। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और इस लड़के ने ना कपड़े गंदे कर दिए मेरे। अब वो फंस गया और वो भीगता रहेगा वहां पे अकेला अकेला। हाँ मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ भैया, गाड़ी निकलवाओ ना। अरमिंद्र बाहुबली राकेश भैया में इतना जोर। चलो नीचे नहीं चलो, वो चला गया खेला खेला। मैं ना इन लोगों को कह रही हूँ रूम की चाबी कहाँ है, ताला लगे हुआ है, चाबी कहाँ है इसकी? उसका नाम है रमती रमती भाई। तो गाइस छपरे के अंदर बैठे हम लोग, ये देखो ये फोन चला रही है और ये रहा एक और यहाँ कर क्या रहे हैं अपन? वो उसकी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रहे हैं खड़े है और क्या धूप में? मैं तो सोच रहा हूँ कब धूप निकले। लड्डू यार वो आंटी जी कैसे भीगते भीगते जा रही है, बैठे वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको देखो जानवरों को मस्ती आ रही है। बाहर गीली छत होती ना तो कसम से कोई नहीं भीग पाता, पर ये लोग ना गार्डन बना तो रहे नहीं है। सारा पैसा पता नहीं कहाँ गया है यहाँ गार्डन का। वो कोटली के अंदर लड़का है, उसको बोलते छुपने की जगह है क्या उधर? बात है इस कोटली में एक लड़का है। तो गाइस देखो हम कैसे बिल्कुल चिपकते हो गए एकदम, है ना? वो औरत देखो कैसे जा रही है यार, देखो लेके लग रहा है देख, नॉन स्टॉप जा रही है देख, सूखी सूर अब देख डायरेक्ट चढ़े लेता हूं और वही देखना देखना गाइस देखना इसको, ये डायरेक्ट चढ़ेगी यहां से, देखना 100% इसी चढ़ेगी। मैं उतर रही हूं ये देख। ओ गाइस देखो तोप चढ़ रही है, तोप कहां चढ़ रही है देख, भारी लेयर वहां। अरे हमारा खुद को बजा नहीं, आदमी चढ़ते चढ़ते नहीं जोर आ रहा। वो आंटी जी चढ़ गई। अब बोल भाई, बोलो बोल, वो मदद के लिए कोई है क्या? कोई है? मुसाफिर वाली बात बोलो। बोल बोल रही हूँ बटे मैं वाह बेटा बोल लियो यार। बोलो भैया कोई है क्या? मैं बड़ी दूर से आया हूँ, यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मुसाफिर हूँ। यहाँ का रास्ता भूल चुका हूँ और तेज बारिश आने के कारण यहाँ का रास्ता भी भटक गया हूँ। छतरी मदद मदद। हे प्रिय गाइस हम लोग फंस चुके हैं और इसकी वजह से फंसे हैं। सब्सक्राइबर भैया सब्सक्राइबर, ये झूठ बोल के लेकर आया और यहाँ पे हमको फंसा दिया एक छपड़े के नीचे। हम लोग बैठे हैं, मेरा पूरा फैशन बिगड़ गया, मेकअप तब धुल गया मेरा यहाँ पे, तभी तो असली चेहरा सामने आ गया। मैं हीरोइन हूँ गाइस। देखो यार सर्दी में इतनी भयंकर फॉग हो रही है, देखो पहाड़ पे पिक्चर बादल है, वो फॉग है, वो हल्के फुल्के बादल ही बोलते हैं, बादल को भी फॉग ही बोलते हैं। बादल बोले ही नहीं, अरे हाँ थारी लैंग्वेज में बादला बोले ठीक है ना, थाटी में बोले मारी में बादला ही बोले, फोक बोले समझी सब बोले। चाय पिला दो री चाय, तेरा बाप जाके भूल गया थड़ी खोल दी, भूल गया शंकर बटे मिट्टी में दब गए मैं दुकान इनकी औलाद कम कई तार पापा ने कई बार थड़ी खोली थी बहुत टाइम पहले, तो एक बार हवा ही नहीं था थड़ी के नीचे दब गई तो तन खोद लो बढ़िया ने खोड़ पोला मैं थड़ी निकले बाद चाय बना पापा बोल लो मेरे पापा के लिए समझ गए। हाँ ठीक है क्या बोल रही है? ससुर है तुम्हारा ऐसे नहीं बोल सकते। किसने बोला? मैं क्या हूँ? तू कही है कौन हूँ मैं? तू सेटिंग है हमारी हाल तक रजिस्ट्री हो बाकी है ठीक है ना।
समझ रही है पटवारी आए तो फिर क्यों हाँ। क्यों आग जताते हो अरे ठंडा ठंडा हाथ में लगा ले मान कहाँ से चढ़ी इधर से चढ़ी इधर से नहीं चढ़ी वो वहाँ से चढ़ी वो जगह देखी ना वहाँ से चढ़ी वो डायरेक्ट इधर से किधर गई होगी वो उधर गई उधर गई जानम देख लो मिट गई अब मैं भागूंगी कहाँ जा रहे चाय पीने कहाँ पे चलेंगे मेरे को चाय पीनी मेरे को बहुत सर्दी लग रही है कहाँ पे पर कहाँ पे कटे घर चला दूध की थैली ले लिया घर पी बाहर पीनी है घर पे पीनी होती तो दूध में ही ले चलती चलो भैया चप्पल दूर जाएगी गंदा जोला तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ गए घाटी के बीच में ये मक्का खिलाने लेकर आया बोला वीर भैया चलो भुट्टा खिला के लेकर आता हूँ आप लोगों को तो गाइस फिलहाल मक्का खाने आ गए सर्दी लग रही थी यहाँ पे हाथ तपा रहे हम लोग आंटी भी तप रही यहाँ पे आपके पानी नहीं आ रहा देखो पानी आ रहा है क्या कर रहा कमाना पड़ता है और पूरे रास्ते में ये राकेश इसके सारा बालों का पानी मेरे मुंह पे गिर रहा था आके मन तो कर रहा तमाच लगाऊं मुंह पे तो नहीं गाड़ी हाँ भाई कहीं हो क्यों सी लाग रही टकाई ले भाई तो अरे धुआं निकल रहा है मुंह से हाँ धुआं निकलने लग गया ये तो मुझे आता था आंटी जी के भी धुआं निकल रही है मुंडा हूँ तो गाइस ना बारिश आ रही है भयंकर वाली और आके मक्खियां खा ली है बारिश रुकी नहीं रही है तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं ये सोनिया आ रही है जबरदस्ती नाटक करी है लेकिन सच में मेरे को बहुत सर्दी लग रही है चलें इधर देखो गाइस चारों तरफ पब्लिक रुकी हुई है चारों तरफ एक लड़की आ रही थी ऐसे मक्खियां लेके गाइस ये चेक करो पहाड़ों पे इतनी सर्दी में भयंकर स्मोक हो रही है नमस्कार मैं हूँ शाहरुख खान आपके प्रिय सलमान खान का छोटा भाई अरे बेटा गिर जा तू भी बोल ले एक बार नमस्कार लेट बोल लेट नमस्कार अभी है मैं पहाड़ों के बीच में देख सकते हो तो गाइस अभी हम लोग बैठे चाय पीने के लिए और बाहर देखो कितना कीचड़ हो रखा है उधर राकेश गया और चाय ले रहा वहाँ से उनको बर्थडे मनाई खाने के केक को खबा का होगी यार बर्थडे बर्थडे मनाओ तो चले ही है फिर खबा को केक है भैया था ज्यादा तो मीठी तो नहीं कर दी हाँ यार बताऊँ गया था यार मैं भूल ही गया वो भी मस्त बना मैंने तो मीठी तो बना ज्यादा सही है नहीं काको चाय तो बढ़िया देवे यार बना रहे हैं गाइज यार हम लोग रूम पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है अभी भी जस्ट बारिश आ रही थी बट अभी रुकी है आज संडे है ना तो मैं बाहर भी नहीं गया वरना मैं हमेशा बाहर रहता हूँ इस टाइम सोनिया भी रहती है संडे को तो सोनिया आज पनीर मटर बना रही है पनीर मटर हम लेके आ गए थे उधर से ही और राकेश छोड़ के निकल गया था और इस लड़की को देखो भूखी को क्या खा रही है पोहे खा रही है देखो देखा ना चोपड़ा देखा ना इधर सूखे पोहे कौन खाता है खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें पड़ी है रूम पे मेरे को स्वाद आता है वाह वाह पनीर मटर बन रहा है वो कौन खाएगा फिर खा लेंगे आटा ज़्यादा मत असनना मैं थोड़ी बहुत ही खाऊंगा रोटियाँ क्योंकि गाइस ना मैंने वहाँ पे घाटी में ना मक्खिया खा लिया था ना मैंने तो मेरा मतलब वो आ रहा है भुट्टा भुट्टा मक्खिया भी बोलते हैं उसको मारवाड़ी में ठीक है ना ज़्यादा अंग्रेज बन रही थी